हनुमान जी के पुरुषार्थ से 500 वर्ष का कलंक जो हिंदू समाज पर था वह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से समाप्त हो गया। श्री राम जन्मभूमि है, श्री राम लला उसके मालिक हैं, यह पूर्ण रूप से निश्चित हो गया। आराधना महोत्सव प्रतिवर्ष की बात कल 2 दिसंबर से प्रारंभ होकर के 10 दिसंबर तक चलेगा और उसमें प्रातः रामचरितमानस का गान, मध्यान्होत्तर 2 बजे से श्रीमद् भागवत की कथा, रात्रि अभिषेकात्मक रुद्र महायज्ञ, ये होगा प्रतिदिन। 10 तारीख को विद्वानों का कुछ सम्मान होगा और कुछ सामाजिक लोगों का सम्मान होगा 10 तारीख को, और उसी दिन छोटी प्रतियोगिता होगी। हिंदू समाज के बालकों का, जो उस बालक की चोटी सबसे लंबी और मोटी होगी उसको प्रथम पुरस्कार मिलेगा, उसके बाद में सांत्वना पुरस्कार और लोगों को भी मिलेगा। ये कार्यक्रम है, बाकी आप बताओ। मंदिर के लिए भी प्रार्थना होगी जी, इस कार्यक्रम राम मंदिर की प्रार्थना की है। वो तो रोज चल रहा है भगवान नाम कीर्तन और मंदिर निर्माण के लिए अनुष्ठान चल रहे हैं। गंगा को लेकर कोई अभियान? इधर तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कारण कि मेरे अकेले की बस की नहीं है, जब तक समाज और सरकार दोनों का सहयोग नहीं प्राप्त होगा। कम से कम 7 अरब भारत के रुपये का कहां जाता है पता नहीं चलता है, पता है खर्च होने में कमी नहीं। इतना मैं जरूर चाहूंगा राम जन्मभूमि न्यास ने सारे जन समाज से पैसा एकत्र करके खरीद करके मंगाया है, कटाई पिटाई छटाई करके तैयार किया है, उस पत्थर का सदुपयोग अवश्य होगा।